हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज आम बीएड फर्स्ट सेमिस्टर रो जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन रे गोटे बहुत यूनिट टू रे इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जाऊे। सो भिडियोटी आम आरंभ करवा जून 28 तारीख में जो बीएड जून ए मंथ जून 28 तारीख में बीएड फर्स्ट पे एग्जाम होगा जाऊँगी। सो पे समस्त ऑल द बेस्ट कह तो चलतु भिडियोटी आम आरंभ करवा। भिडियोटी को जो मैंने नुआ आस प्लीज पे सब्सक्राइब करेंगे और फ्रेंड मानक निहाती सेयार करेंगे। ओके चलतु आज आम पढ़ा गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हंटर कमिशन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करवा हंटर कमिशन कौन, ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन। ओके मुझ सब सिलेक्शन क्वेश्चन लास्ट को देदेवी। देखो हंटर कमिशन कौन, जोटा कि फर्स्ट होता 1882 रे होता अन् फेब्रुआरी 1882 रे लॉर्ड रिपन केम टू इंडिया। से भारत को आसते लॉर्ड रिपन, हि वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत से गवर्नर जनरल थे। हि अपॉइंटेड द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमिशन, तांको फर्स्ट अपॉइंट कराई भारत जो इंडियन एजुकेशन कमिशन भाव में विथ मिस्टर विलियम हंटर एज द चेयरमैन। सी हूँ किए थे ना जो मिस्टर विलियम हंटर पूरा नाटा सी हूँ चेयरमैन भी थे जेकि आम इंडियन एजुकेशन कमिशन से चेयरमैन फास्ट रही थे। हि व्वाज ए मेम्बर अफ द भाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से मेम्बर थे। सो देयरफॉर से इट केम टू बी पॉपुलर नोन एज हंटर कमिशन कहा जाए। सो देयरफॉर हंटर कमिशन व्वाज अपॉइंटेड मेनली टू लुक इन टू द कंडीशन अफ द प्राइमरी और एलिमेंटरी एजुकेशन इन इंडिया। तेणु हंटर कमिशन मुख्य उद्देश्य कौन, जो भारत जो प्राइमरी बा एलिमेंटरी जो शिक्षा रही एजुकेशन रही कौन करवा ता प्रति ठीक से आम लुक इन टू मीन इनभेस्टिगेट करवा ठीक ठीक भाव में तदारख करवा। ओके सो द कमिशन व्वाज टू मेक् द फलोईंग इनक्वारी। तेणु से जो कमिशन कराइल हंटर कमिशन मुझे कहली तार मुख्य उद्देश्य कौन थी ना प्राइमरी एजुकेशन हो बा एलिमेंटरी एजुकेशन हो तार कंडीशन केमती रही प्रति आम इनभेस्टिगेट करवा। ओके तार किसी जो आम इनक्वारी करवा तार किसी फलो रूल्स रही कौन ना टू नो द कंडीशन अफ प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन कंडीशन के रही प्रति आम जानवा। To find out the method of expansion of primary education कौन कौन सब मेथड रही आम देखा। To know the position of state institution and its importance, जे आम स्टेट जो इनट्यूशन रही तार पोजिशन केमती रही तार इंपोर्टेंस कौन रही। To know the position of missionary institution in general, missionary education तो सब जिनस मीन प्राइमरी हो एलिमेंटरी हो से एजुकेशन केमती का कंडीशन रही प्रति आम देखा ठीक से। ओके नेक्स्ट कहला जे रेकमेंडेशन ऑफ हंटर कमिशन। हंटर कमिशन किसी रेकमेंडेशन रही कौन, फर्स्ट कला प्राइमरी एजुकेशन मुझे कहली। तो प्राइमरी एजुकेशन कौन ना प्राइमरी एजुकेशन शुड एम एट स्प्रेडिंग पब्लिक एजुकेशन एंड ऑल्सो द प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स टू एंटर इनटू हायर एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन को एमती स्ट्रंग करा दरकार जहाद्वारा कि से पिला जो से हायर एजुकेशन जो से शिक्षा चेस्टा कर से निजी से ठीक प्रिपेयर कर पार। प्राइमरी एजुकेशन शुड बी हेल्पफुल टू स्टूडेंट्स टू स्टैंड ऑन हिज लेग्स एंड हेल्पफुल फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। तेनाली प्राइमरी एजुकेशन ही गोटे पिला को हेल्प कर निज गोड़े निजे ढाई पार और लाइफ आगे से प्राक्टिकाली सब जिनस कर बढ़ी पार। ओके पवन बहुत जोर से दौर। अच्छा नेक्स्ट कहला जे द मीडियम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इंडियन लैंग्वेज और वर्नाक्युलर। जे मीडियम मीन्स जे प्राइमरी एजुकेशन गोटे मीडियम रही कौन जे से इंडियन लैंग्वेज हवा दरकार वर्नाक्युलर मीन्स निज मातृभाषा पढ़ा दरकार। ओके नेक्स्ट कहला इंडिजियस एजुकेशन। इंडिजेनस एजुकेशन कौन जे द इनट्यूशनस और पाठशाला जो आम कह दैट आर रन बाय इंडियन अकॉर्डिंग टू द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ एजुकेशन कॉल्ड इंडिजेनस। जे जो एजुकेशन भारत में जो एजुकेशन जो चालू रही पाठ जो पाठशाला जो चालू रही हूँ केमी चलती ना भारत परंपरा अनुजाई चलती भारत शिक्षा परंपरा अनुजाई तो ताकू आम कह इंडिजेनस एजुकेशन। ओके जेटा कि जो पारंपरिक एजुकेशन आम कहीपर। सो नो रेस्ट्रिक्शन शुड बी इम्पोज फर एडमिशन टू सच इनट्यूशन। ये जी भी चाहिए समस्ते एडमिशन नहीं पारे सेमती कौन सी रेस्ट्रिक्शन ना ये रखा उचित नुहे। प्रपर एरेजमेंट should also be made for the training of the teachers to the institution. जे से इनट्यूशन जो टीचर मैंने रही प्रपर भाव ठीक भाव में आम कौन ट्रेनिंग देवा दरकार। पुअर स्टूडेंट्स इन दिज इनट्यूशन शुड बी गिवेन स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप देवा दरकार जो मैंने सब गरीब लोक मैंने पे रही।
एटा गला प्राइमरी। अच्छा सेकेंडरी एजुकेशन कौन कला ना द करिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सुड बी स्प्लिट अप ताको भाग भाग करदे उचित केमिति का इंटू टू पार्ट रे देयर सुड बी ए करिकुलम गुड करबा आ बी करिकुलम करबा। ए करिकुलम रे कोन रहबो नाउ वाज टू हैव सब्जेक्ट्स दैट वेयर टू बी यूजफुल फॉर हायर स्टडी। जे ए करिकुलम रे हम जे को पाठ रखिबा जो पाठ गुड को हम पढिबा द्वारा हमर हायर स्टडी रे हमको हेल्प करबो। एवं बी करिकुलम को रे कोन करबा ना वोकेशनल ऑक्युपेशनल बा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सब रखिबा। ओके एवं लास्ट कॉलेज हायर एजुकेशन कौन ना मेरिटोरियस और एंड प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स जो मैंने होती ज्ञानी स्टूडेंट जो मैंने मीन पाठ पढ़ जो मैं बहुत इच्छा थाए मेरिटोरियस आउ प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स हमें कही था तो से जो स्टूडेंट मैंने मैं सेंड टू फॉरेन कंट्रीज फॉरेन कंट्री को पठाव हायर एजुकेशन और केमिका ना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप द्वारा प्रोवाइड द ह्यूमन रिलीजियस बा रिलीजन रिलेटेड बुक्स फॉर मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट जो किसी धार्मिक बही रही प्रदान करने दरकार जो नॉलेज सब इम्प्रूव हम। ओके सो एटा थिला होची हार्ड टॉक एटा थिला होची कौन बर्तन पढ़ी कहले जे हंटर कमिशन बर्तन पढ़वा नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ हार्ड टॉक कमिटी कौन चलता विषय में ब्रीफली डिस्कस करवा। एटा हूँ 1929 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज प्रमिज्ड दैट एट ब्रिटिश गवर्नमेंट जी सरकार थला सी प्रमिज करथला जे आफ्टर वर्ल्ड वाज टू गिव जे वर्ल्ड वार परे जो वर्ल्ड वार एटा आफ्टर वर्ल्ड वार परे वाज टू गिव फ्रीडम टू द नेशन आम राष्ट्र को से फ्रीडम देदेव बट व्वेन द वार केम टू एंड जो युद्ध शेष होगा द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट कीप देयर प्रमिस ब्रिटिश सरकार से तार प्रमिस को ठीक भाव रखिला ना दिस मेड इंडियन पीपुल रेस्टलेस जहाद्वारा कि भारत लोक मैंने प्रति रेस्टलेस हो गले इन ऑर्डर टू मीट दिस सिचुएशन द गवर्नमेंट पास्ड द गवर्नमेंट पास्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 तेणु यही जो जेहेतु से जो ब्रिटिश सरकार तार प्रमिज अटल रहा ना जे सी अटल रहा मीनस कौन सी भारत को आम राष्ट्र को सी स्वाधीनता देला ना फ्रीडम देला ना ता द्वारा कौन है यही सिचुएशन को मीट करने आमर जो आम राष्ट्र जो लोक मैंने से कौन कले गोटे गोटे गवर्नमेंट या गोटे सरकार याल से सरकार नाम हूँ कौन ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके विथ दिस एक्ट द्वारा कौन है ना सेंट्रल गवर्नमेंट टेक एडमिनिस्ट्रेशन ओके विथ देयर हैंड्स दिस इज क्रिएटेड ए डिफरेंट सिचुएशन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन जहाद्वारा कि दैट मीन कौन है ना से ए जो कमिटी द्वारा कौन है ना आम राष्ट्र में निजे जो पिला द्वारा निजे आम जो राष्ट्र एजुकेशन ऑटोमेटिक इम्प्रूव है सीइंग दिस डिससेटिस्फेक्शन ऑफ इंडियन पीपुल अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 साइमन कमिशन वाज अपॉइंटेड ऑन नवंबर 8 तारीख में अपॉइंट करागला इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द इंडियन पीपुल साइमन कमिशन वाज फेल्ड दैट इट इज नेसेसरी टू गिव वेरी इंपोर्टेंट एजुकेशन तेणु सी तर से फिल कले भारत राष्ट्र जो आम जो राष्ट्र रही एजुकेशन देवा बहुत इंपोर्टेंट कि प्रकार एजुकेशन दिगला गोटे प्राइमरी एजुकेशन दिगला सेकेंडरी एजुकेशन दिगला आ गोटे हायर एजुकेशन दिगला। प्राइमरी एजुकेशन तार मूल्य जो सॉरी मूल्य कौन तार मुख्य एम कौन रही लाइफ रे आगे बढ़ाई जे सेकेंडरी एजुकेशन को पाइबापी हेल्ले प्राइमरी एजुकेशन निहाती दरकार एटा गोटे फंडामेंटल एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन से कहीं पढ़े ना लाइफ सोसाइटी विषय सब जिन से जानवाक पाई एवं हायर एजुकेशन को कौन हुए ना सेकेंडरी एजुकेशन पढ़ले से हायर एजुकेशन पढ़ी थाए जहाद्वारा कि फॉरेन हो जेकोसी जगह को गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप द्वारा से आगे जाए। ओके सो ये दुटा क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम गोटे नुआ भिडियो नहीं गाइबा सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू पिला माने।